दोस्तों राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज की वीडियो एसएससी सीपीओ के फिजिकल के ऊपर रहेगी। कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, कितने लोग पास हो रहे हैं, कितने लोग फेल हो रहे हैं, और ग्राउंड किस प्रकार से है, किस प्रकार का कंपटीशन रहने वाला है, इन सब के ऊपर बात करेंगे आज। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी परसों रात बनाई थी मैंने एक वीडियो और उसको अपलोड किया था। आप सभी लोगों ने उस पर फीडबैक भी मुझे दिया और मिक्स्ड फीडबैक आपके रहे उसके बारे में, तो सोचा एक बार फिर से क्यों ना बना दिया ये वीडियो, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स थे वो थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था उस दिन रात के। पहले क्वेश्चन यहीं से शुरू करते चलिए कि कब कितने बजे तक फ्री हो रहे हैं। देखो पहला दिन होता है, शुरुआत का दिन जब होता है ना, एक दिन दो दिन में, तो थोड़ा सिस्टम थोड़ा ढीला ही होता है। तो वो फिजिकल का ही नहीं, वो मेडिकल का भी होता है। हर दिन वही आप देखोगे, जब भी आप जाओगे फिजिकल या मेडिकल देने, शुरुआत के दिनों में थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा कमजोरी रहता है। तो हमको क्या किया, हमको रात के 8 बजे के बाद फ्री हम हुए, 8:30 बजे रात को। हो सकता है आने वाले टाइम में आपका प्रोसेस जो है वो तेज़ हो गया होगा या हो जाएगा, तो आप जल्दी छूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन शुरू के दिनों में तो वही टाइम लगता है। और पूरा दिन जो है, मैं मदुरई में था, पूरा दिन वहाँ बारिश चलता रहा, बारिश में भीगते भीगते ही पूरा प्रोसेस हमारा चला, और जिसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना भी हमें करना पड़ा वहाँ पर। तो ये शुरुआत करते हैं एंट्री से, और उसके बाद पूरा का पूरा दिन का प्रोसेस हम लेके चलेंगे कि क्या एंट्री से लेकर के आपका रात आउट होने तक क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से रहता है, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। एंट्री की बात करेंगे, सुबह लगभग 6 बजे की रिपोर्टिंग है, तो लड़के लगभग 5 बजे से वहाँ एंटर मतलब लाइन पर लग जा रहे हैं, और लगभग लगभग वो 6:30-7 बजे तक भी आ रहे थे कल, तो ऐसा था हमारे साथ पहला दिन में। अब आगे क्या होगा वो वही आने, ठीक है। तो एंट्री हुई, एंट्री के टाइम पर आपसे आधार कार्ड आपका और आपका एडमिट कार्ड और एक आपकी फ़ोटो, ये चीज़ वहाँ पर जो है आपको एंट्री के टाइम में चाहिए हैं। आपका एंट्री होने के बाद आपको अंदर ले जाएंगे, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा। बायोमेट्रिक के लिए आपका वही सब चीज़, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए मेन है, आपका आपकी फ़ोटोज़ रख लेना 2-3, उसके अलावा एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी वहाँ पर चाहिए हैं, ठीक है। मेरे तो खांसी भी ठीक नहीं हो रहा अभी तक, 3-4 चीज़ें होगी। उसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन चाहिए इन हाइट और चेस्ट, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके जाने हैं। मान लो अगर आप कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, गोरखा हो, डोगरी हो, या नॉर्थ ईस्ट से हो, या एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपको रिलैक्सेशन चाहिए इन हाइट और चेस्ट, तो उस केस में आपको आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाना है। और अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको DL भी लेके जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, ये दोनों लेके जाना है। बाद में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका विशेष ध्यान रखें, एक आध पेन भी ले चलना साथ में, बढ़िया रहेगा, ठीक है। इतना हो गया आपका, एंट्री हो गया आपका, बायोमेट्रिक हो गया, बायोमेट्रिक हो जाए आपका तो, और बायोमेट्रिक होने के बाद आपको जो है PET PST, पहले आपका PST होगा, PST बाद में कराया था, PET पहले था, ठीक है। तो बताऊँ मैं कितना अटेंडेंस कितना रहा उसके बारे में बात करते चलिए। पहले अटेंडेंस की बात करूँ तो पहला दिन था और सदर्न रीजन में मदुरई में था, 300 बुलाए थे, सिर्फ 95 और प्लस उसमें 7-8 एक्स मैंने ऐड कर लिया, तो 102 के आसपास नहीं टोटल रिपोर्ट किया था, ठीक है। तो आउट ऑफ 300 आप देख सकते हो कितना, सिर्फ 102 और 3 लोगों ने रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्टिंग साउथ इंडिया में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम है, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं क्या सिस्टम है, ठीक है। हमारे नॉर्थ में तो मैं देख रहा हूँ अभी मैसेजेस पढ़ रहा था कि GC अजमेर में अलग है थोड़ा सा, अच्छा मतलब इन जगहों पर थोड़ा सा नॉर्थ वाले जो हमारे सेंटर्स हैं इसमें लड़के ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब लगभग लगभग 150 से भी ऊपर आ रहे हैं, 170-175 भी रिपोर्टिंग हो रही है। पर इन साउथ में वहाँ मैं देखा तो वहाँ 100 भी नहीं आए थे पूरे, तो ये होता है, डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। हमारा नॉर्थ रीजन में आपका सेंट्रल रीजन में थोड़ा कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, लड़के ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। 30-35 हज़ार थे शायद इन सेंट्रल या नॉर्थ में, सेंट्रल नॉर्थ में थे शायद 30-35 हज़ार लड़के जिनको PET PST हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा भी स्ट्रेंथ है और कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर लड़के उस मामले में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये था, अब बात करते हैं आपका आगे प्रोसेस होता है रनिंग। 1600 मीटर का आपका रनिंग होता है। ग्राउंड वहाँ पर था लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश के चलते पूरी जो ग्राउंड था, ट्रैक था, वो ख़राब हुआ था बारिश से, पूरा गीला गीला कीचड़ कीचड़ हो रही थी, तो रनिंग जो है हमारी ग्राउंड में फिर नहीं हुई। हमारी रनिंग कराई उन्होंने रोड में, रोड रनिंग हुई थी मदुरई में, और 700 मीटर का ट्रैक है, 700 मीटर का एक राउंड, फिर 700 मीटर का 2 राउंड, 1400 मीटर, फिर 200 मीटर कवर करने के लिए थोड़ा और आगे तक चलना था, ठीक है। ये हो गया 200 मीटर का लास्ट स्प्रिंट, 1600 मीटर रनिंग इस प्रकार से हुई। और रनिंग ही सबसे ज़्यादा हार्ड इवेंट वहाँ पर रहा, सबसे ज़्यादा जो आउट हुए हैं वो वहाँ पर रनिंग में आउट हुए, क्योंकि 95 ने रनिंग करी थी और लगभग 40 के आसपास ही रनिंग पास हुए, यानी कि 55 लोग रनिंग में ही आउट हो गए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो रनिंग
प्रिपरेशन नहीं थी उनकी, होगी प्रिपरेशन कुछ की नहीं भी होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड भी जल्दी आ गया था शुरू के दिनों में, आपको पता है यार तैयारी हमारी इतनी थी नहीं, और जो है चले गए। मैं तो ऐसे, मेरा तो यह कि भाई चलो ट्रेनिंग में कंटिन्यू था मैं, थोड़ा बहुत मेरी प्रैक्टिस थी इसलिए हो गया मेरा, तो मुझे कोई दिक्कत ज़्यादा हुई नहीं। मैं और अंडर 6 मिनट में ही 5:50 के आसपास में मैंने कर लिया था। ऐसा होता है कि जो करने वाला होता है ना वो 5, 10, 15 तक में कर ही ले रहा था, और जो नहीं करने वाला होता है फिर वो पीछे रह जाता है, ये भी सीन होता है। ठीक है, तो रनिंग हो गया। रनिंग होने में अब मैंने आपको बताया लगभग 55 रनिंग में आउट हो गए 40 बचे। उसके बाद फिर थोड़ा हमारा ब्रेक दिया, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि एकदम से करा दिया, उसके बाद थोड़ा ब्रेक भी मिला है लगभग 20-25 मिनट, आधा घंटा हमको रुका गया। उसके बाद फिर हमारा लॉन्ग जंप हाई जंप, उसके बाद टाइम नहीं मिला ज़्यादा। ठीक है, रनिंग के बाद थोड़ा सा आधा घंटा तक ब्रेक दे दिया था, थोड़ा सा थोड़ा कुछ प्रोसेस चल रहा है और उनका ग्राउंड में थोड़ा मिट्टी उट्टी भी डाल रहे थे, बालू वालू, तो उसके लॉन्ग जंप हुआ। और लॉन्ग जंप मैंने आपको पहले ही बताया था अपने पुरानी वीडियोज़ में कि मेरा लॉन्ग जंप जो है उतना अच्छा नहीं है, मेरा प्रैक्टिस नहीं है लॉन्ग जंप का, तो मुझे लॉन्ग जंप में बहुत दिक्कत हुई। पहला अटैम्प्ट किया मेरा राइट लेग आ गया और जंप नहीं हो पाया। सेकंड अटैम्प्ट में आया, थोड़ा घबराहट किया, दूसरे अटैम्प्ट में अब तो करना ही करना है, दूसरा अटैम्प्ट किया, दूसरे अटैम्प्ट में फॉल हो गया। ठीक है, तो लास्ट टाइम थर्ड अटैम्प्ट में मैं जाकर लॉन्ग जंप कराऊँ और फिर कूद दिया 15-16 फीट। ठीक है, तो लॉन्ग जंप मेरा अच्छा था, बट वही है स्टेप्स का और फॉल का। तो अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो ये विशेष ध्यान इस बात का रखना कि अपना फॉल वॉल इन सब चीज़ से बचें। और वहाँ पर कोई भी लॉन्ग जंप में आउट नहीं हुआ, सबके सब फिट हो गए, सभी सभी लॉन्ग जंप कर लेते सभी ने, और लॉन्ग जंप में मेरे को थोड़ा सा इशू हुआ था बस। सभी कोई मतलब सेकंड अटैम्प्ट में मैं कुछ ना कर लिया, कुछ ने फिर थर्ड अटैम्प्ट में मेरे साथ कर लिया था, तो ऐसा था। फिर उसके बाद हाई जंप है वही आपका जितना होता है 3.9 या 11 कितना 120 सेंटीमीटर होता है लगभग उतना था, और उसमें मैंने पहले अटैम्प्ट में कर लिया था, उस हाई जंप का मुझे कोई इशू नहीं था। और बाकी लड़के जो थे उनका भी सबका अलग अलग हो गया था, बस सिर्फ दो तीन लड़के थे उनको ही आपका हाई जंप में आउट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वही शॉर्ट पुट है, उसमें भी कोई भार नहीं हुआ, 100 मीटर स्प्रिंट है कोई भार नहीं हुआ, तो टोटल जो है 37 के आसपास में लड़के जो थे वो फाइनली पास हुए थे आपका पीएटी। उसके बाद पीएसटी के लिए गए, पीएसटी में आपका जो है हाइट एंड चेस्ट वही 80-85, और आपका अगर आप एसटी से हो तो उसमें शायद 2 या 3 सेंटीमीटर का रिलेक्सेशन मिलता है आपके चेस्ट में भी, और हाइट का तो है ही 5 सेंटीमीटर का। तो हाइट और चेस्ट, हाइट में कोई आउट शायद नहीं हुआ है, चेस्ट में 2-3 लड़के आउट हुए थे, उनका बिल्कुल ही कम था, कमजोर होंगे बहुत ज़्यादा, इस वजह से उन्हें दिक्कत आई हो। ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, और अगर आपने प्रैक्टिस करी है थोड़ा बहुत भी तो आप इजीली वहाँ पर पास हो जाओगे। थोड़ा बहुत अगर टाइम आपका ज़्यादा भी आ रहा है तो वहाँ पर आपका मैनेज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब आप दौड़ते हो कंपटीशन में तो अच्छा रहता है वहाँ पर। ठीक है, और ग्रुप की बात करें कितने का ग्रुप बन रहा है, तो हर जगह अलग अलग है। जहाँ पर मेरा था मदुरई में, वहाँ पर 10 लोगों का ग्रुप बन रहा था रनिंग के लिए, बाकी कहीं पर 15, कहीं पर 20, कहीं पर 25 भी बन रहा होगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 में कोई दिक्कत नहीं होती लोगों को। ठीक है, वहाँ पर इजीली आप कर लेंगे, ये बात होगी। और इसके अलावा और कुछ ऐसा खास पॉइंट मेरे ख्याल से है नहीं जो बताना शेष रह गया हो। और धीरे धीरे करके हो सकता है स्ट्रेंथ भी बढ़े लड़कों की, अभी थोड़ा कम लड़के जा रहे हैं, और क्योंकि समय नहीं मिला तो हो सकता है इसलिए नहीं गए। और उसके बाद वाले में तो यही सब कुछ था, बाकी और सेंटर्स की अपडेट आती तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतने रखूँगा, और ज़्यादा समय हो रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है यार, इस वजह से मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतने रखता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद, बाय बाय।